जो रोने लगा, रोना, लेकिन दिमाग में एक दूसरी बात आई, रोने से नाक जुड़ी तो जात ना है, हमारी नाक से कटी गई, और दरबार में दो चार की और की नाक ना कटवा ली तो मेरू ना होना है। चोर पहले तो रोया, फिर हंसने लगा, नाचने लगा, पूरे दरबार में इधर से उधर भाग रहा है, नाच रहा है भगवान का नाम लेके। लोग बड़े असमंजस में पड़ गए। एक बात सोची, इसकी नाक काट दी है, ये रो नहीं रहा है, हंस रहा है। एक ने पूछ लिया, भैया तुम्हारे दर्द नहीं हो रहा क्या? नहीं तो क्यों? बोले हमें भगवान के दर्शन हो रहे। क्या? हाँ, कहाँ है भगवान? बोले ऐसे थोड़ी दिखाई देंगे, नाक काटो। माने सोची, अगर नाक काटने से भगवान के दर्शन हो रहे तो हम रुपए काट ले, नाक काट ले। अब इधर उधर देख रहे हैं, दर्शन तो कहीं कुछ नहीं। अब चोर रहे से धीरे से कान में बोलो, बोले नाक तो कटी गई है। अगर तुम रोए से सब लोग हंसी और करें, कहीं उठो हमें भगवान के दर्शन हो रहे। सुबह कहीं उठे हमें भगवान के दर्शन हो रहे, यहाँ रो जाए आधे हंस जाए। राजा बड़ो धर्मात्मा स्वभाव है। माने सोची, अगर नाक काटन से भगवान के दर्शन हो गए तो चाह से सरल उपाय कौन सा हुआ? बोला मंत्री, तलवार लेके आओ। क्यों? बोले मेरी नाक काटो। मंत्री बोलो, महाराज पागल हो गए क्या है? नाक काटने से कहीं भगवान के दर्शन होते? राजा बोले, मंत्री एक झूठ बोलता तो मंत्री सबके सब झूठ बोलते, तो मेरी नाक काटो। मंत्री बोलो, महाराज रुक जाओ, तुम नहीं, पहले हमें अपनी नाक काट के देख लें, दूसरे के दर्शन हो रहे या नहीं। मंत्री ने जैसे ही नाक काटी, सो पहले बार जो चोर रहे सामने पहुंचो, धीरे से कान में बोलो, मंत्री साहब नाक तो कटी गई, कहे उठो हमें दर्शन हो रहे। मंत्री बोलो, महाराज जाने तो बिना मतलब में सबकी नाक कटवा दे, दर्शन दर्शन कहीं नहीं हो रहे। राजा को क्रोध आ गया, उठा के फांसी लगवा दी। तो पहले तो नाक ही कटी थी, फिर जान से चले गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चालाक बनो लेकिन ज्यादा नहीं।